30 से 40 बार दोगे यही? उसमें एक छोटा सा रोल मिला मेरे को, एक स्टंट करना है। हाँ। उसके साथ एक किसिंग सीन है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हमसे वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो भाई सुधा के ऊपर करने जा रहा हूँ एक बहुत अलग सा प्रैंक है। प्रैंक बता देता हूँ क्या है। मैं फ़ोन पे करने वाला हूँ फर्जी बातें कि मेरे को एक फिल्म में एक छोटा सा सीन करने का मौका मिल रहा है, कि स्टंट सीन करना है। स्टंट सीन क्या है मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी वॉच नहीं करोगे पता नहीं चलेगा स्टंट सीन क्या है। बहुत ही बेहतरीन स्टंट सीन होने जा रहा है। तो इस स्टंट सीन के जानने के बाद शायद उसके तोते उड़ जाएँ कि क्या स्टंट सीन करने जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिलहाल बहुत देर से सोच रहा था यार कि मुझे ये प्रैंक करना है, लेकिन वही सेक्स वाले रूम में लेटी हुई है, हेली ना रही है, चिपक गई है फेविकॉल की तरह। तो मैंने कहा इंट्रो कर लेता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो प्रैंक कर लेंगे, नहीं तो फिर कभी देखेंगे। तो बस वेट करते हैं उसके आने का या जाने का, जहाँ भी मौका मिलेगा ना तो प्रैंक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भाई इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो यार, ठीक है। खाली पड़ा है वो डब्बे की तरह, भर दो उसको यार कम से कम फॉलो कर करके। अमसुवर्ल्ड 85 नाम है इंस्टाग्राम आईडी का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। तो बस देखते हैं कब मौका मिलता है और कब उसका बकरा कटता है, ठीक है। तो हो सका मैं मिलूँगा वीडियो के एंड में, बाय। तो अभी मैंने ना कैमरा लगा दिया सर रूम में, क्योंकि मैंने सुना था अभी सुधा बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि भाई मेरे को रूम में ना बच्चों कपड़े लगाने, तो वो अलमारी में कपड़े लगाई, फ़ोन मैंने फिट कर दिया और भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो जल्दी से एक फ़ोन घुमा देते हैं और मज़ा देखो फिर आप। सुनो सुनो फोन आ रहा है यार। क्या? राखी प्रोडक्शन से कोई कॉल आ रही है? राखी प्रोडक्शन कॉल आ रही है कोई? किसे? राखी प्रोडक्शन। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी। यस सर यस सर यस सर यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कल आना साइन करने? ओके सर। पेमेंट की बात तो पहले हो गई थी ना, अब क्या बात करनी पेमेंट की? नहीं सर, नहीं 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 ना ना सर, ये तो सर गलत बात है आपकी, जब हमारी पहले बात हो गई थी। अब सर इसमें अब क्या चेंजेस हो सर पेमेंट में? नहीं सर, नहीं 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 सर, पहले आपकी मेरी पहली बात हो गई थी। अच्छा सर आप ये भी देखो ना कितना कितना भारी स्टंट कर रहा हूं मैं, आप ये भी तो देखो ना कितना कितना भारी स्टंट कर रहा हूं। आपने मेरे में कुछ काबिलियत देखी होगी तभी तो आपने मेरे को इस रोल के लिए रिकमेंड करा है। क्या सोच है रे तेरी? सर भी प्रोफेशनल ना, जो हमारी आपकी मेरी बात हो गई है ना पैसों की। हाँ सर वही रहेगी। हाँ कन्फर्म है सर। ओके कल आ जाऊं मैं बॉन्ड साइन करने? सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, आप मेरे को एड्रेस टेस्ट कर दो, मैं कल आके मिल लेता हूँ। बाकी जो फॉर्मेलिटीज है बॉन्ड वॉन्ड की वो कल पूरी कर लेते हैं, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। कौन है? राखी प्रोडक्शन। क्या हुआ? आगे जब क्या हुआ? क्या पागल हो रहे हो क्या? और सुधा इतना खुश हूँ भाई, मैं इतना खुश हूँ। तो भाई बंदा भी आएगा टीवी पे, ओटीटी पे। टीवी पे कैसे? जैसा एक ऑफर आया था मेरे पास ना। हाँ? एक फिल्म बन रही है ओटीटी पे, लॉन्च होगी। हाँ?
उसमें एक छोटा सा रोल मिला मेरे को, एक स्टंट करना है। तुम्हें स्टंट कैसे आ गए? तुम कौन सा स्टंट करते हो तो तुम्हें स्टंट आ रहा हो? अरे ओ यस यस, घर में झाड़ू पोछा थोड़ी करना, वहाँ पे वो स्टंट करना तुम्हें। गजब बेइज्जती है तुम्हें। कौन सा स्टंट आ रहा तुम्हें स्टंट करने जा रहे हो? तुम कोई सपना देख के उठे हो क्या? कभी तो अच्छी बातें करो गुरु, मैं इतना खुश हूं तुम यार। अरे स्टंट कर दो मुझे बताओ, स्टंट मैन हो गए तुम, स्टंट के रोल मिल गए हैं। अजीब बात है यार, तो पूछेगा ना इंसान सामने वाला कभी कौन सा स्टंट आता है तो मुझे, तुम स्टंट करने जा रहे हो। तुम कौन सा स्टंट समझ रही हो? स्टंट तो स्टंट होते हैं ना। कौन से स्टंट होते हैं? कौन से स्टंट होते हैं? मतलब स्टंट स्टंट होते हैं जो स्टंट मूवीज में दिखाई जाती है, फिल्मों में दिखाई जाती है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं आऊंगा ना ओटीटी पे जब देखना तो मुझे बता, कोई पागल हो गया? स्टंट ऐसे जाते होंगे क्या? पैसे चक्कर में भागे जा रहे हो, हाथ पे तुड़वा के आ जाओगे? अरे हाथ में कुछ टूटेंगे यार, 70,000 मिल रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। सिर्फ 5 मिनट का रोल है और 70,000 रूपए। यार ठीक है 70,000 मिल रहा है, लेकिन यार हाँ मतलब मेरी तो सक्सेस की सीढ़ी है ना, वो मुझे मिल गई पहली सीढ़ी। तो क्या कहाँ से आया ये, किसने बताया तुम्हें? एक्चुअली दोस्त ने, अरुण नहीं है जो उसमें काम करता है, जो फिल्म सिटी में काम करता है। हाँ। जो नोएडा फिल्म सिटी में बताया था काम करता है, जिसका काम है। हाँ हाँ। उसने मेरे को बताया था यार। चल झूठा। एक्चुअली वो देखता है यूट्यूब पे। हाँ। तो उससे कोई प्रोड्यूसर टकराया था, ऐसे मुझे बंदा चाहिए यार, एक रोल है 5 मिनट का। हाँ। तो उसने बताया, मैंने कहा 5 मिनट का 70,000 रुपए। मैंने भेजा था, सोचा था जब लगा गई तो फिर यार उस चीज से कौन सी। अरे नहीं लगेगी यार, कुछ नहीं लगेगी, स्टंट कर रहा तो लगेगी भी नहीं। ये थोड़ा दूसरे तरीके का यार। अच्छा मुझे बताओगे क्या है, कैसे स्टंट है? मैं सोच रहा तुम डायरेक्ट देख लेना ना यार, भी बताऊंगा फिर मैं तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है, देखने को तब मिलेगा ना जब वो रिलीज होगी, उससे पहले लग लुगा भी चोट तो फिर। अरे नहीं लगेगी ना यार, उसका दूसरे तरीके का है। मेरे समझ में तो आ नहीं रहा, समझ करते रहो, मैं मना कर रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। फिर आगे देखो, स्टंट देखे मूवी में। हाँ। स्टंट में होता क्या है कि बंदा बाइक लेके कूदरा नदी में। हुँ? है ना, कूदता तो कोई और है, लेकिन गिरते हुए दिखाया जाता है किसको? हीरो को। तो इसी तरीके का स्टंट। मैं पागल हूँ, मुझे भी पता है ऐसे होता है। क्या स्टंट है ये पूछ रही हूँ मैं। यार स्टंट है जो मूवी बन रही है ना। हाँ। उसमें जो विलन की बहन है। हाँ। उसके साथ एक किसिंग सीन है। क्या? तो स्टंट स्टंट क्यों बोले जा रहे हो? स्टंट तो यार स्टंट से कम है क्या? किसी को 5 मिनट तक मतलब किस करना, कोई मतलब स्टंट से कम है क्या? गजब डूबी बाज आदमी हो, पागल हो गया तुम? 70,000 रुपए मिल रहे हैं यार, क्या पागल हो गया? बिना बात की इज्जत का सौदा कर रहा हो क्या? मैं 5 मिनट की किसी सिंह के लिए 70,000 मिल रहे हैं। अरे सौदा किसको क्या पता कि मैं कर रहा हूँ, बस मैंने क्या बताया कि गिरते हुए दिखाते नहीं हो ऐसी, बस किस करते किस करना तो मैं करूंगा किस, लेकिन फोटो किसकी होगी? हीरो की। मुझे तो पता है कि तुम हो उसके अंदर, बाकियों के भाड़े में जाने दो, मुझे तो पता है कि तुम हो उसके अंदर। चिल्ला क्यों रही हो यार? मेरे को समझ में एक चीज नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही यार? मतलब ये रोल हीरो का है तो वो करना चाहिए ना, तुम्हें क्यों घुसा रहे सीन में? दूसरे बंदे को घुसा रहे हैं, वो हीरो करेगा। अरे बैल बुद्धि, नहीं चाह रहा होगा लगाने मुंह ना, हर कोई हर किसी को नहीं लगाना चाहता मुंह हमारी तरह। ये बढ़िया था गुरु। क्या चाहते हो? ज्यादा ना बकवास तो करो मत, हर किसी का मुंह नहीं, तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो ना मुंह लगाने में, खुद सांड बुद्धि हो, दूसरों का बैल बुद्धि बोल रहे हो। खुदा का नहीं है कि बच्चे बच्चे देखेंगे, क्या क्या असर पड़ेगा? अरे वो इस चैनल पे नहीं होगी ना रिलीज यार, वो दूसरे चैनल पे, दूसरे उस पे रिलीज होगी, ओटीटी पे यार। अरे यार बस कर, ओटीटी पे हो या ओटीटी पे हो, कोई जरूरत नहीं है समझना, बोल तो नहीं चाहिए मैं 70,000 मैं नहीं कर रहा। तुमसे किससे पूछ के साइन करने जा रहे हो कल? किससे पूछा तुमने मुझसे? पूछा एक बार भी नहीं। क्या पूछता कि क्या करने जा रहे हो, ये साइन करने जा रहे हो, ये फटाफट जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला तो तुमसे पूछ करूंगा मैं। तुम नहीं करोगे? मैं करूंगा। नहीं करोगे? करूंगा मैं, मैंने बोल दिया, तू बोल दिया मैं करूंगा। यूट्यूब पे क्यों आई थी तुम? क्यों आई थी यूट्यूब पे? तुम लाए थे घसीट के? नहीं क्यों आई थी पैसे डाला, क्यों आई थी? आई थी ना फेम पाने के लिए, आई थी नहीं आई थी फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए? फेम नहीं पाने की, तुम जाके किसी से चालू हो जाओ।
हम जिंदगी की शुरुआत है ना वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं, नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल लाइफ में पहली बार आप मौका मिला मुझे आगे बढ़ने का, मैं अच्छा। पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। सुन लो मेरी बात को पहले, और मैंने भाई से उसको बोल भी दिया डायरेक्टर को, मैंने कह भी दिया भाई मैं पूरा प्रोफेशनल हीरो नहीं हूँ कि तू सोचे कि तभी वही तो कह रहे प्रोफेशनल नहीं हो, बोल दमा ना कर दो नहीं कर सकता मैं। तो मैंने क्लियर कर दिया ना पहले क्या कि मैं प्रोफेशनल हीरो नहीं हूँ भाई, कि सोचे तू एक ही बारी में तूने रिटेक कर और भाई शॉर्ट हो गया। मैंने भाई मैं तो प्रोफेशनल हूँ, हो सकता है कि एक बार ही हो जाए, हो सकता है 30-40 बार भी हो जाए, 10 बार भी हो जाए, रिटेक देने पड़े। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तुम 30-40 बार रिटेक दोगे यही, तुम रिटेक नहीं दो, तुम जान बूझ के रिटेक दो। मैं मना कर रहा हूँ, नहीं करना है, नहीं जाना है, मना कर दो, मैं कर किसी और कर लो, मना कर दो, कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं बड़ी मुश्किल रिटेक, तुम्हारा रिटेक मुझे पता है, तुम्हारा तुम्हारा मजे लेने के लिए तुम रिटेक ले लो, पैर हटा भगवान जी उधर, भगवान जी मुझे कामयाब कर देना। ये तो मेरे बीच में भगवान जी, तो बीच में अड़चन आ गई रास्ते में, आप तो मेरा साथ देना, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला मुझे, मेरा सपना था बहुत दिनों से टीवी पे आने का ना। सुधीर आप सुन रहे, हमारे दिन बदलने वाले हैं, यही सब दिन बदलने वाले हैं, ये सब करने को तो रहे इंसान 4 पैसे एक्स्ट्रा ही कमाएगा, लेकिन ये सब नहीं करना, तरीके से कमा रहा है किसको, नहीं मुझे पता है ना, किसको पता है किस कर रहा है वो, मुझे पता है, मैंने बताया ना, बताया तो मुझे पता चला है ना, मैंने बताया, बिना बताया कर लेते यार, मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तुम खुश होगी, लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर, समझ में आ रहा तुम कैसे इनसिक्योरिटी, क्या इनसिक्योरिटी, सिक्योर हो रही तुम तो यार, अब होंगी नहीं मैं, अरे बाबा आओ हीरोइनों को देख लो यार, सबसे घटिया लाइफ रहती है, एक दूसरे के हस्बैंड के साथ सीन करते रहते, उनको तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। हाँ तो नहीं होती ना, मुझे नहीं ये सब चीजें पसंद है, बात खत्म, सीधे धीरे थोड़ो कुछ तो देखा होगा यार, क्या बनाया हमने ऐसा कुछ भी कभी, कुछ तो मेरी एक्टिंग दिखी हो, पता है मैंने हमेशा बोला है बच्चे भी देखते हैं हमारी वीडियो, ऐसा कुछ भी कभी नहीं बनाना है, तुझे ऐसा क्या देख लिया, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया, जो उसने भाई यूट्यूब पर थोड़ी आएगी, ये लॉन्च होगी, ये ओटीटी पर लॉन्च होगी, मुझे पता है ना, तो मैं मना कर रही सीन मुझे नहीं चलना चाहिए, तो नहीं चाहिए, बात खत्म, मुझे नहीं चाहिए सब ऐसा 70,000 रुपए। उसने ये भी बोला, एक मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग सुनो, उसने ये बोला कि अगर ये वाला रोल तुमने परफेक्ट कर दिया, परफेक्ट तो कर दिया, तुम 20-25 बार करोगे, मुझे पता नहीं है क्या यार, मैंने गलत बता दिया तुम्हें यार सुधा, तुम्हें रोल, तुम्हें ना मैं बता रही हूँ पैसे की तुम्हें नहीं लगी पड़ी है, तुम्हें रोल की लगी पड़ी है, इससे और बढ़िया रोल मिलेगा मेरे को यार, उन्होंने बोला है कि आप एक बार ये वाला रोल परफेक्ट तरीके से हो गया ना, तो मैं आपको, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे मन में पैसे की नहीं लगी पड़ी है, तुम्हारे मन में कुछ और ही लगी पड़ी है, क्या लगी पड़ी है यार, तुम समझदार हो, मुझे कामयाब होना है आगे सुधा, तो कामयाबी करना, नौकरी चाहिए, यूट्यूब से थोड़ा सा, यूट्यूब से थोड़ा सा ऊपर उठ, 5 मिनट के रोल के चक्कर में लात मार के भगा देंगे तुम्हें, कामयाब तो आज 5 मिनट का मिला, कल मुझे आधे घंटे मिलेगा, परसों 1 घंटा हो सकता है कि उससे अगले दिन मुझे पूरी मूवी मिलेगा, शक्ल दिखेगी नहीं तुम्हें, आड़ा मिलेगा, क्या दिक्कत है शक्ल में, तुम्हें तो कह रहे शक्ल नहीं दिखेगी उसमें, तो मैं कह रहा हूँ आज नहीं मिलेगी ना, हो सकता है आगे जाके मेरे को पूरी मूवी करने को मिले, हाँ तुम्हें बड़ी मूवी मिल रही है, तू तो महेश भट्ट की पिछड़ी और आ दो ना, तुम मिल रही है, कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश नहीं हो, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ खुश, ना मैं करने दूंगी ऐसा रोल, किया ना बता रही, छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, ध्यान रख लेना, सुनो एक काम करो, सुनो क्या कर रहे हो, उठा अपना बोरी बिस्तर, चलो वैसे चलो जाओ, मंजूर है तुम्हें, मेरे रास्ते में जो जो आएगा ना, इस रास्ते में जो जो आएगा उसे ऐसे ऐसे करते चलूंगा मैं, चलो जाओ, याद रख लेना मुझे, याद रख, हाँ ठीक है जाओ, चलो निकलो यहाँ से, फुर्सत निकलो, पहली फुर्सत में, कर रही है क्या, कर रही है तुम, क्या कर रही है, मैं तो प्रैंक कर रहा था, लेकिन तुम ये क्या करने लगी, तुम तो ये कपड़े पैक करने लगी अपना, प्रैंक कर रहा था, हाँ क्या प्रैंक कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं तो यार, तुम तो असलियत में यार, तुम तो एकदम जाने तैयार हो गई, हर वक्त तुम्हारे मन में बोल रहे हो कि जाओ तो बैठ कर, यहाँ बैठ के तुम्हारे को मनाऊंगी, क्या बैठ के जा रहे हो, मैं फिर मजाक कर रहा था यार, क्या मजाक नहीं करते, तुम मजाक कर रहे हो, कौन खुशी प्रोडक्शन, ऐसे आ जाएगा फोन, राखी प्रोडक्शन है,
गजब बेइज्जती है। कैसा पता ना जरा कमेंट में चमगादड़ी शक्ल है क्या मेरी? मैं तो सोच रहा था मेरी शक्ल थोड़ी जराब जैसी है, लेकिन चमगादड़ी से पूरा तैयार कर लिया इसने पूरा बिस्तर, मतलब जाने की तो हर वक्त मन में लगी रहती है। सारी चिट भी अपनी पट भी अपनी है ना, खुद ही बोल रहा जाओ बोल के बिस्तर तैयार करो, तैयार कर लिया पूरे बिस्तर। मैं से बताता अकेली जा रही थी, संभालते इन दोनों को खुद ही। और मुझे कौन संभालता फिर? तुम्हें संभालते ना वो खुशी प्रोडक्शन वाले। मैं कह रहा भैया कोई खुशी प्रोडक्शन नहीं, मजाक कर रहा था मैं, ठीक है ना? आगे ना हवा खुश हो गई ना, ये तो देख लो जलती तो है मेरी खुशी से, मैं तो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ गाइस, ये जलती तो है मेरी खुशी से। ये तो मैं भी मजाक कर रहा था, अगर रियल में मेरे को मतलब कोई रोल मिल गया ना तो ये तो करने नहीं देगी यार। पांच मिनट का रोल तो 70,000 रुपए थे, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी इसको तो यार। चलो ये ऐसी जलती मेरी इस खुशी से जलती, जलने दे उसको यार। चलो गाइस क्या देख रही हो, बाय बाय करो, चलो बाय बाय भी करने में देखो उसको, शक्ल पे ऐसे ऐसे वो हो रहा है एकदम। हाँ कर दे तुम, चलो मैं करूंगा वैसे रियल में अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं ईमेल। अच्छा। कि आपकी जो एक्टिंग है वो अल्टीमेट है, हम देखते हैं प्रैंक पे। अच्छा। तो अभी तो चलो प्रैंक था, लेकिन रियल में इसको मैं जरूर दिखाऊंगा भाई की हु एम आई, ठीक है? चलो मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, आई लव यू ऑल।